नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपके कमेंट के आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूं। मैंने वीडियो बना लिया था विज्ञान प्रयोगशाला का, लेकिन जब मैं सेटिंग कर रहा था तो देखा कि माइक ही बंद था। तो माइक बंद होने की वजह से आवाज़ ढंग से नहीं आ रहा था, तो पुनः शूटिंग कर रहा हूँ मैं उसी का। ये सारी चीज़ें मैंने समझा के बता दिया था किस प्रकार से क्या है, तो उसी का फिर से पुनः शूटिंग कर रहा हूँ मैं। तो साथियों, आप लोगों ने जो कमेंट्स किया है, कई लोग जो है फीमेल का भी पूछते हैं, सर फीमेल का रैंक क्या है। तो शिक्षक का और सहायक शिक्षक में फीमेल का उसी में अंदर जो कैटेगरी जो मैंने बताया था कट ऑफ, उसी के अंतर्गत इसलिए रखा क्योंकि वहाँ पे फीमेल का बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कितने फीमेल ज्वाइन करेंगे कितने फीमेल ज्वाइन नहीं करेंगे ये बता नहीं सकता, क्योंकि अनुमान भी लगाओगे जितना अनुमान नहीं लगा सकते जितना लगना चाहिए। तो जितने भी फीमेल है वो ये देखे कि आपके जो कट ऑफ है जो मैंने बताया उससे एकाध नंबर आप पीछे ले जाइए तो आपका कट ऑफ उसमें आ जाएगा। तो आज का जो मैं जो बताने जा रहा हूँ साथियों, ये है प्रयोगशाला का, ये प्रयोगशाला के बता रहा हूँ जिसमें 848 के आसपास मैदानी जो क्षेत्र है उसमें भर्ती हो रही है, और प्रथम लिस्ट भी आ गया है, सेकंड लिस्ट भी आने वाला है। तो मैंने कुछ सोर्स था पहले, जो उस समय जब वेरिफिकेशन हो रहा था तो कुछ जिलों के जिलाध्यक्ष द्वारा अपात्र और अनुपस्थित का डेटा भेजा हुआ था, उसका कुछ कलेक्शन किया हुआ था। तो देखा मैंने कुछ औसत निकालते हुए 10-15% जो है अपात्र और अनुपस्थित थे। तो विज्ञान प्रयोगशाला में एक तो अपात्र इस कारण से कि एज अधिक या एज कम, एक ही केवल एक ही कारण है, बाकी कोई कारण यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दूसरा अनुपस्थित, अनुपस्थित कौन थे, जिसका शिक्षक में हो गया था या कह सकते हो व्याख्याता में हो गया था, कई लोग नहीं गए थे, जिसमें तीनों में नाम आया है या दोनों में नाम आया है ऐसे लोग नहीं गए थे। तो 10-15% ही मान सकते हैं जो अभी रिक्त पद बचा हुआ है। अब आता है कि जैसे ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग लिस्ट निकलेगी, कई लोग ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि कई लोग शिक्षक और सहायक शिक्षक के वाले भी जिसका विज्ञान प्रयोगशाला में नाम आया है तो वो लोग जाहिर से बात है वो लोग सहायक शिक्षक का पद ग्रहण करेंगे और शिक्षक वाले शिक्षक का पद ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से 15-20% लोग जो है उसमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि 848 में जो 84 पद है वो तो आपका किसके लिए हो गया, ईएक्स वाले के लिए हो गया, एक्सेसरीज मैनेजमेंट वाले के लिए हो गया, लगभग 56 पद जो है पीएच वालों के लिए हो गया। तो ऐसे 120 पद तो ऐसे ही यहाँ से निकल जाता है, तो लगभग बचता है 708 के आसपास। अब 708 में यदि हम 30% भी निकाल लेते हैं तो 721 210 पद जो है रिक्त होता है। अब मैंने यहाँ पे 270 के आसपास लोगों को लेके चला है, अधिकतम से अधिकतम लेके चला है इतने में, ठीक है। इससे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है लेकिन हो भी सकता है, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि जो भी बता रहा हूँ मैं अनुमानित बता रहा हूँ, केवल इस डाटा को लेकर के अपने आप को जज ना करें। रिक्त पदों की जानकारी किसी को भी परफेक्ट नहीं है, लिस्ट आने का इंतजार करें, ये केवल आपके जानकारी के लिए है, जो आप जो है इसको देख करके आप भी अनुमान लगा सकते हैं। मैंने क्या क्या सोर्स लिया, एक तो ये आपका पेपर कटिंग वाला था और जो जिला अध्यक्षों के माध्यम से कहीं कहीं का जानकारी मिला हुआ था इसको लेके चला। दूसरा मैंने कट ऑफ निकाला कि पिछले सत्यापन में कितने कट ऑफ था, तो कुछ इस प्रकार से कट ऑफ आया हुआ था। मैंने इसका कट ऑफ के साथ साथ इसका रोल नंबर भी देखा, रोल नंबर सबका रोल नंबर निकाला, लास्ट का जिसका भी आया है उसका रोल नंबर देखा, और रोल नंबर देखने के बाद इसका कैटेगरी सब चीज़ें निकाल के रखा। निकालने के बाद देखा कि ये कितने नंबर पे है और इसके नीचे अभी कितने लोग है इतने नंबर वाले, सभी का मैंने रोल नंबर के हिसाब से उसका पूरा रैंक निकाला। निकालने के बाद कितने लोग बचे लिस्ट में मैंने नाम देखा, किसी का तो नाम भी नहीं है क्योंकि पहले लिस्ट में कुछ लोगों का नाम नहीं आया था। जैसे इसका आप देखेंगे तो लिस्ट में इसका अभी पहले लिस्ट में इसका नाम नहीं था पुराने वाले में, क्योंकि ये अनारक्षित था, ठीक है। तो अभी इसका नाम आ चुका है इस प्रकार से। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखने का प्रयास किया, उसके बाद मैंने देखा कि देखो यहाँ पे ये आपका अनारक्षित का है और ओबीसी का, देखो दोनों में सेम नंबर है, केवल रैंक अलग अलग है, देखो 385, 387, 945, 984, लेकिन एससी में आप देखेंगे बहुत डिफरेंट है,
है ना, नंबर बहुत डिफरेंट, इसमें 3 नंबर का डिफरेंट है तो इसमें 5 नंबर का डिफरेंट है। रैंक भी देखेंगे तो इसमें देखो महिला और मेल, मेल और फीमेल में देखेंगे यहाँ पे तो 500 के आसपास जो है रैंक बन, 600-500 के आसपास रैंक आगे पीछे होता है, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4000 तक के रैंक आगे पीछे हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने बनाने का प्रयास किया, यदि किसी को बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, क्योंकि कट अप मैंने जैसे भी बनाया है कुछ ध्यान में रखते हुए बनाने का प्रयास किया है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसको देख कर अपने आप को जज ना करें, रिक्त पदों की जानकारी किसी के पास परफेक्ट नहीं है, लिस्ट का इंतज़ार करें। इसमें मैंने मेल मतलब मुक्त में मुक्त और फीमेल का मैंने बनाने का प्रयास किया है। तो मैंने अनारक्षित और ओबीसी का 1 नंबर के मध्य लोगों को गिनती किया, 1 नंबर, जैसे यहाँ पे 60 है और 61 है, 61 और 60 यदि मध्य देखा, यदि किसी भी 1 नंबर के मध्य मैंने देखा तो 90 से ऊपर लोग मिले मेरे को, 90 से 110 तक के लोगों का नाम निकला 1 नंबर के पीछे, चाहे वो ओबीसी वाला हो चाहे अनारक्षित, अनारक्षित में कम था क्योंकि बीच में ओबीसी आ गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो 100 लोगों के आसपास आता है। लेकिन वही मैंने एससी का देखा तो एससी का 10 से 15 लोग अधिकतम से अधिकतम मिला मेरे को 1 नंबर के पीछे, और एसटी में 5 से 10 लोग अधिकतम से अधिकतम मेरे को दिखा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ निर्धारित किया है अपने हिसाब से अनुमानित, कि अनारक्षित में मुक्त में 66 और 67 के मध्य जाने की संभावना है, ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता। फीमेल का 61 और 62 मैंने इसके आधार पर बनाने का प्रयास किया। और आपका ओबीसी का देखेंगे तो इसका भी सेम इसी प्रकार से मैंने 1 नंबर इसलिए नीचे गिरा क्योंकि अनारक्षित वाले ऊपर जाएंगे तो ओबीसी का कुछ ना कुछ नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ तो आया नहीं। यहाँ पे फीमेल का मैंने 60-61 बना के रखा है। उसके बाद एससी का मुक्त में देखेंगे तो 54 और 56 के मध्य रहने का संभावना दिख रही है, सेफ लग रहा है। और एससी का फीमेल का देखेंगे तो 52 और 54 के मध्य रहने का, मतलब इसके मध्य रहने का दिख रहा है। एसटी का देखेंगे 48-49 नीचे गिर सकता है, और फीमेल का आप देखेंगे तो 44 और 45 के मध्य रहने का संभावना दिख रही है। तो साथियों, इस वीडियो में जो मैंने रैंक बनाया है वो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और इसके पश्चात मैंने कहा था 2 वीडियो बनाऊँगा, एक शाम को वीडियो बनेगी, अंग्रेजी शिक्षक का वीडियो तैयार है, मतलब उसका रैंक बने बनाए, केवल वीडियो शूट करना है और डालना है, थोड़ा सा और विश्लेषण करना है थोड़ी सी जानकारी लेते हुए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।